औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क्स। इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। ये सबक जो है ये बायोलॉजी के साथ ताल्लुक रखता है, बायोलॉजी में नर्व सिस्टम के साथ इसका ताल्लुक है। पहले हम देखेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्स एक्शन। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्व सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन। यानी नर्व सिस्टम में जो रिस्पॉन्स का सिंपलेस्ट किस्म है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। दिस इज ए रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस व्हिच इज नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। दिस इज रैपिड। रैपिड मीन्स तेज। ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स ऑफ ए स्टिमुलस, यानी जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो उसका मतलब बहुत तेज रफ्तारी के साथ और ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन, विच इज नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रेन। लेकिन ये रेस्पॉन्स जो होता है ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनवॉलंटरी एक्शन। इसको इनवॉलंटरी एक्शन कहा जाता है। Thus, a reflex action is one which we perform automatically. As a reflex action वो है जो हम automatically अंजाम देते हैं। It is a comparatively simple form of behavior in which the same stimulus produces the same response everywhere. It is a comparatively simple form of behavior. ये नस्बतन आसान behavior का आसान कसम है, in which the same stimulus produces the same response. जिसमें वही stimulus जो है वही response हर वक्त पैदा करता है। If we unknowingly touch a hot plate, for example, अगर हम बेजाने किसी गर्म प्लेट के साथ छू जाए, इसको टच करें, we immediately move our hand away from it, हम फौरी तौर पर इससे अपना हाथ दूर या वापस खींचते हैं। So moving our hand away on touching a hot plate is an example of reflex action. लिहाजा किसी गर्म प्लेट से अपने हाथ को पीछे खींचना reflex action की मिसाल है। Similarly, moving our foot away when we step on something sharp is an example of reflex action. इसी तरह जब हमारा पैर किसी तेज चीज पर पड़ता है तो उस वक्त हम अपने पैर को क्या करते हैं, हम इसको वापस या पीछे या ऊपर पूरी तौर पर उठाते हैं, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन की मिसाल है। ए नी जर्क मूविंग ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कफिंग, यानिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज एंड स्नीजिंग आर ऑल रिफ्लेक्स एक्शन। इसी तरह जब हमारे इस कंधे के कोहनी को जब झर्क लगती है किसी चीज के साथ तो हम इसको पूरी तौर पर उठाते हैं या वापस पीछे खींचते हैं, या इसी तरह जब हम खांसी करते हैं या जामन करते हैं या आंखों का टिमटिमा आंखों को टिमटिमाते हैं या छींकते हैं, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन की मिसालें हैं। In a reflex action, we are unaware that anything is going to happen to us. In a reflex action, में हम क्या होते हैं? बेखबर होते हैं, unaware होते हैं कि कोई चीज हमारे साथ होने वाला है। The pathway taken by nerve impulse in a reflex action is called reflex arc. यानी वो रास्ता यानी वो नर्व जिनसे ये इम्पल्स जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जहां से ये पास होती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क।
रिफ्लेक्स आर्क्स एलो रैपिड रिस्पॉन्स, यानी रिफ्लेक्स आर्क्स जो होते हैं ये क्या कहते हैं, इनसे तेजी के साथ रिस्पॉन्स मिलता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये किसी स्टिमुलस का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ द वे इन विच वी रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस इज आवर रिएक्शन टू टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट वेरी क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। वी पुल अवर हैंड अवे, दिस सॉर्ट ऑफ वेरी फास्ट ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इस तरह हमने ये रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क जो है इसके बारे में तफसील के साथ जानकारी हासिल की।